गुड आफ्टरनून बच्चों, जय श्री राम सभी लोगों को। क्या कह रहा है जमाना। माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ रहे हैं। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? यहां से पढ़ना है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन कैसे होता है और माइग्रेशन के कौन कौन से फेसेस हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो माइग्रेशन के ही बारे में है, पर ये है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। तो पहले तो मैं यूट्यूब पर आप लोगों को खोज लूँ, पता तो चले कि हमारा लेक्चर कौन कौन देख रहे हैं, कौन कौन हमें सुन पा रहे हैं। शायद मुझे याद नहीं मैंने आपको बोला या नहीं बोला, पर मैंने बाकी क्लासेस में बोल दिया था कि मैं 2 दिन की छुट्टी पर रहूँगा। अमृत, जय श्री राम सर, जय श्री राम। अक्षत किशोर, गुड आफ्टरनून बालक। अंकित यादव जी, बिल्कुल बिहार बुला रहे थे अंकित यादव जी हमें कि सर आगरा तक आ गए हो, बिहार भी आ ही जाओ, तो बिहार फिर कभी आएंगे। और जब बिहार आए ना तो अंकित यादव है अपना, अमृत है, और जो जितने लोग हैं सभी के घर चाय वाय पी के आएंगे। फिर देखेंगे कि तुम यहाँ पर तो बोलते हो सर आइए कभी हवेली पर, सर जब हवेली पर आएंगे तो क्या करते हो तुम, सर की कैसे स्वागत करते हो, सर का क्या कहते हैं ना, क्या कहा जाता है उसको, मेहमान नवाजी करते हो, वो तो तभी पता चलेगा अंकित यादव जी। अभी तो बुला रहे हो, आओ कभी हवेली पे। गुड नून जंगलानी जी, अंकित यादव हो गया। चारू मित्रा जी, गुड आफ्टरनून। चारू मित्रा को बड़ा दुख हुआ होगा 2 दिन क्लास नहीं लगी है तो। सूर्यांश निगम, भावना गढ़वाल जी, गुड आफ्टरनून बालिका। अच्छा, एक और देवासी चीता, भैया चीता पहले ही कम हो रहे हैं, दुनिया में चीता गायब हो चुका है, तो देवासी चीता जी बच के रहिए, बचा के रहिए अपने आप को, क्योंकि आप हमारे धरोहर हैं। उत्तर प्रदेश कैसा लगा? अरे भैया उत्तर प्रदेश में बहुत लोग हैं यार, उत्तर प्रदेश में बहुत लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, बहुत लोग हैं यार। मैंने इतनी पॉपुलेशन अपने जीवन में कभी नहीं देखी, बहुत लोग हैं यार। यूपी में आगरा में मैं ट्रैफिक में फंस गया था, 1.5 घंटे में निकला ट्रैफिक में, मतलब 1.5 घंटा लग गया ट्रैफिक में, मतलब इतना ट्रैफिक। बस यार मेरे आई डोंट हैव वर्ड्स, मैं आपको क्या कहूँ लाइव क्लास में, पर मेरे पास शब्द नहीं है, तो यूपी के बारे में तो बस यही है। पर यूपी में यार मतलब देखो सब कुछ है, आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, बनारस है, इलाहाबाद है, मतलब जितना घूमना चाहो घूमो। और योगी आदित्यनाथ जी की वजह से पेट्रोल भी सस्ता है और शराब भी सस्ती है, तो या तो घूम लो या झूम लो, MP में दोनों ही चीज़ें महंगी है भैया। हमारे लिए तो दोनों चीज़ें वो थी, हम वहाँ पर गए तो हमने पेट्रोल पंप पर भाव देखा तो वही हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि इतना सस्ता पेट्रोल, मतलब 15 रुपये का अंतर आ रहा है MP और UP में, क्या बात है। शेखर शर्मा, गुड आफ्टरनून जी। शेखर जी है ना, तो 2-3 लोग नए दिख रहे हैं मुझे, अब मुझे नहीं पता कि हमारे साथ में कैसे जुड़ गए, कहाँ से जुड़ गए हैं, पर ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है आप लोगों का लाइव क्लासेस में। तो यहाँ पर हम माइग्रेशन की बात करेंगे, तो इधर उधर की बातें अब हम बंद करें, थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी 3 दिन से वैसे ही क्लास नहीं चल रही थी। तो स्ट्रीम्स, अर तेरी तो तू कहाँ भाग रहा है ना जइयो। तो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, तो अ फ्यू फैक्ट पर्टेनिंग टू द इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउट ऑफ द कंट्री इन टू द कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज आर प्रेजेंटेड हियर। देखिए माइग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसता है, वहाँ का इंसान कहीं दूसरी जगह जाकर बसता है, तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। अब माइग्रेशन कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। जब कोई इंसान एक ही राज्य में से दूसरे जिले में, मतलब उस जिले से दूसरे जिले में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर उसने माइग्रेशन क्या करा, उसी राज्य में करा। भाई वो पहले किसी दूसरे जिले में रह रहा था, मान लो अमृत बलिया में है, बलिया से कहाँ पर चला गया, कानपुर में या आगरा में, तो यहाँ पर इसने जिला और गाँव बदला, पर राज्य यूपी का यूपी ही रहा। तो ये इंटरनल माइग्रेशन होता है। इंटरनल माइग्रेशन मतलब जहाँ पर इंसान एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, उसे इंटरनल कहा जाता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जब इंसान अपना देश ही बदल देता है, भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में निकल जाता है। अच्छा मैं तो आप ही का स्टूडेंट हूँ भैया, हम तो आपका अच्छा ही सोच रहे हैं, हम तो यही बोलें जो भी हैं आप। चल ठीक है, आई एम न्यू इन क्लास। ओके शिखर शर्मा जी आप नए हैं तो, और देवास चीता जी मैं तो आपका ही स्टूडेंट हूँ, तो एक बार नाम बताए तो हमें पता चले कि हमारा देवासी चीता कौन है, मेरा स्टूडेंट है तो। ठीक है, ब्रैकेट में अपना नाम लिखिए, देवासी चीता है, शिकार पर ही जीता है। तो एक ऐसा कुछ स्लोगन उलोगन बना लो कि देवास के चीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं, और खूब खाते हैं और खूब पीते हैं,
अच्छा अच्छा कोई अपना स्लोगन वलोगन बनाओ ताकि लोग सुने तो डरें। तो दो तरह की हो गई भाई, इंटरनल का मतलब क्या है, उस देश के लोग उसी देश में कहीं दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं तो मतलब देश का देश में रहा, और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो रहा है, जहां पर देश ही बदल रहे हैं। तो अंडर द इंटरनल माइग्रेशन द स्ट्रीम वॉज डोमिनेटेड बाई फीमेल माइग्रेंट्स, मोस्ट ऑफ दीज वर माइग्रेंट रिलेटेड टू मैरिज। तो हम इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा देखने को हमें क्यों मिलती है, क्योंकि खासकर शादियों के बाद में लड़कियां अपना घर बदलती है। तो माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो 50% अपने यहाँ पर माइग्रेशन ऐसे ही देखने को मिलता है भाई, एक जिले से दूसरे जिले में लड़की की शादी हो गया, एक गाँव से दूसरे गाँव में हो गया, एक शहर से दूसरे शहर में होगी। और पॉपुलेशन का अगर रफ परसेंटेज निकाले तो 50% पॉपुलेशन में लड़कियां हैं, और लड़कियों की शादी होना ज़रूरी है, और शादियां होंगी तो वो अपने गांव को छोड़ेंगी ही छोड़ेंगी और दूसरी जाकर बसेंगी। तो ये इंटरनल माइग्रेशन होता है। तो अगर हम इस माइग्रेशन को समझें तो 100% की पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन माइग्रेट करती ही करती है, पर ये जो माइग्रेशन है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, ना कि एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल में लड़कियां खासकर डोमिनेट करती हैं क्योंकि ये शादी के बाद में माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेंट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, यहां पर आई हट गया, इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो यहाँ पर दो नए वर्ड होंगे आपके लिए, थोड़ा गौर करिएगा जंगलानी जी, एक इंट्रा स्टेट है और एक इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, उस राज्य से उसी राज्य में पलायन करना, और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, उस राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना। तो यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहले चीज़ों को समझ लो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाओगे वरना मैं तुमको समझा नहीं पाऊंगा। देखिए, पलायन में क्या होता है, एक आदमी या तो उसके गाँव से दूसरे गाँव में जाएगा, या गाँव से शहर में जाएगा, या शहर से गांव में जाएगा, या शहर से शहर में जाएगा। तो यहाँ पर पलायन कितने प्रकार का हो गया, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, और शहर से शहर, ये हो गया। फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में, आ रहा है समझ में, या फिर उस देश का उसी देश में, या फिर उस राज्य का उसी राज्य में। तो पलायन होता रहता है, जरूरी नहीं, पर पलायन पर हम नज़र कब दौड़ाते हैं, कब करते हैं, जब वो किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं कि ये इस राज्य से इस राज्य में जा रहा है, पहली बात। दूसरा, जब वो देश बदलता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, राज्य बदलने में तो लगते ही लगते हैं, आधार कार्ड और ऐसी चीज़ें, पर देश बदलता है तो भी। तो यहाँ पर हम पहले तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं कि जब कोई इंसान उसी राज्य में से उसी राज्य में पलायन करता है उसे इंटर स्टेट कहा जाता है। और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा, जब उस राज्य में रहने वाला इंसान किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसे इंट्रा स्टेट कहा जाता है। तो दोनों ही वर्ड समझ लेना, इंटर स्टेट का मतलब उस राज्य का इंसान उसी राज्य में कहीं दूसरी जगह जाकर बस रहा है वो इंटर स्टेट, और इंट्रा स्टेट मतलब उसने राज्य ही बदल दिया। तो माइग्रेशन इज प्रेजेंटेड इन एंड इट इज क्लियरली एविडेंट दैट फीमेल्स प्रीडोमिनेटेड द स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन इन बोथ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कॉन्ट्ररी दिस मेन प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन ड्यू टू द इकोनॉमिक रीजन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है, तो इस माइग्रेशन को अगर आप समझोगे, तो मैंने अभी आपको पहले सिंपल सा कहा कि 100% आबादी में से 50% जो है माइग्रेशन वो लड़कियाँ करती हैं, क्योंकि लड़कियों को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि उस शहर की रहने वाली लड़की की शादी उसी शहर में हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें इसकी खासियत, खास बात, तो लड़कियों का जो माइग्रेशन होता है वो इंटर स्टेट होता है, मतलब ऐसा रेयरली ही होता है कि लड़की की शादी दूसरे राज्य में होता है, बहुत कम होता है। उसी राज्य में या तो दूसरे गांव में होगा या दूसरे शहर में होगा, पर लड़कियों की शादियां खासकर उसी राज्य में होती है, तो इंटर स्टेट होती है। तो अगर महिलाओं की या फीमेल प्रीडोमिनेंट हम माइग्रेशन देखें तो लड़कियों का माइग्रेशन होता तो है पर क्या होता है, इंटर स्टेट होता है। पर लड़कों का जो माइग्रेशन होता है खासकर किस तरीके से होता है, इंटर स्टेट भी होता है, इंट्रा स्टेट भी होता है। इंटरेस्टेड मतलब काम की तलाश में राज्य ही बदल देते हैं, और इंटरेस्टेड होता है, जिसकी खास बात क्या है कि ऐसा आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कि शहर से गांव हो रहा है या गांव से गांव हो रहा है। लड़कों के इसमें क्या होता है, गांव से शहर ही होता है, क्योंकि तो लड़के ज़्यादातर कामकाज की तलाश में या पढ़ाई की तलाश में कहाँ जाते हैं, शहरों की तरफ। तो लड़कियों का क्या होता है भाई, डिमाइग्रेशन मतलब कि वो एक राज्य से उसी राज्य में दूसरे शहर या गांव में जाएंगे, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। शहर की लड़की गांव में भी शादी हो सकती है, गांव की लड़की की शादी गांव में भी हो सकती है, गांव की लड़की की शादी शहर में भी हो सकती है। तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात खास है कि लड़कियाँ ज़्यादातर माइग्रेशन उसी राज्य में करती हैं, राज्य से बाहर नहीं जाता। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड इंटर स्टेट माइग्रेशन।
लड़कों के इसमें भी इंटरेस्टेड प्लस इंटरेस्टेड माइग्रेशन हमें देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा कि शहर से लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, बस आपको देखने को मिलेगा कि लड़के गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अमृत्य जी आ गए आज, गुड आफ्टरनून अमृत्य जी। तो देवासी चीता जी आप क्या पूछ रहे हैं, वो आप डायलॉग पूछ रहे हैं क्या? देवास के चीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं, बहुत खाते हैं और बहुत पीते हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं कि और कुछ बोल रहे हैं, माइग्रेशन का बोल रहे हैं? इंट्रा में देश, अभी हम है ना इंटर स्टेट बात करें, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, भाई इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री करेंगे तो वो एक अलग बात है, वहाँ पर नहीं, हम अभी स्टेट लिखा हुआ ना, स्टेट लिखा हुआ मतलब राज्य बदल रहा है, यहाँ पर गौर करो देखो स्टेट का, अभी हम आगे जाएंगे तो वहाँ हालांकि स्टेट में बहुत सारे लोग कंट्री का भी एग्जांपल दे देते हैं, पर अभी हम राज्य के पॉइंट, हम ये देख रहे हैं कि लड़कियों में माइग्रेशन किस प्रकार से होता है और लड़कों में माइग्रेशन किस प्रकार से होता है, मतलब यहाँ पर विशेषताएँ हम देख रहे हैं कि अगर लड़की बदल रही है जगह तो वो कहाँ जाएगी, तो लड़की अगर जगह बदल रही है तो ये फिक्स नहीं कि शहर में जाएगी गाँव में जाएगी, पर हाँ ऐसा देखा गया है कि उसी राज्य में जाएगी, पर लड़का अगर अपना निवास बदल रहा है तो इसमें ये नहीं पता कि वो राज्य बदल रहा है कि जिला बदल रहा है, पर हाँ इसमें एक बात फिक्स है कि लड़का अगर जगह बदल रहा है भले वो किसी भी राज्य में जाए तो वो गांव से शहर की तरफ ही जाएगा या फिर शहर से शहर की तरफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा कि वो शहर से गाँव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इंडिया आल्सो एक्सपीरियंस इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हैं जिसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। देखो हमारे पास क्या अभी डाटा है, हम कोई शब्द समझ नहीं रहे हैं इस बुक में, खासकर इस बुक में आपको डाटा दिया गया है उसको आपको डिस्कस करना है, जैसे मोबाइल क्या है ये हमें नहीं पढ़ना है, इस मोबाइल में क्या क्या है ये हमें पढ़ना है, थोड़ा समझिएगा कि देयर आर टू बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी की दो दो बुक हैं, तो यहाँ पर क्या कराया गया है कि एक एक बुक में तो आपको बताया गया है कुछ चीज़ क्या है, पेन क्या है, बुक क्या है, कैमरा क्या है, स्लाइड क्या है, और दूसरी बुक में उस पेन में क्या क्या है, स्लाइड में क्या क्या है, ये तो ये जो चैप्टर है ना यहाँ पर हम माइग्रेशन को तो समझ ही रहे हैं, पर साथ ही में यहाँ पर डाटा दिया गया है उसके हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालना है, कॉन्क्लूजन निकालना है, तो हम कॉन्क्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेल फीमेल का बताया गया है, माइग्रेशन इन मिलियंस, और यहाँ पर भी माइग्रेशन इन मिलियंस है, तो देखो आप रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल और अर्बन टू अर्बन, ये माइग्रेशन स्ट्रीम्स है, इसमें इंट्रा स्टेट माइग्रेशन बताया गया है पिछले कुछ समय का, तो इंट्रा स्टेट मतलब यहाँ पर लोगों ने राज्य ही बदल दिया है, तो मेल फीमेल है, ये फीमेल है देखो आप गौर करके, और ये मेल है, तो रूरल टू रूरल आप देख रहे हो तो लड़कों की संख्या कम है जो गाँव से दूसरे गाँव में जाकर बसे हैं, पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियाँ शादी के बाद में अपना गाँव बदल देती है, गाँव छोड़ देती है, तो इसलिए लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। अब रूरल टू अर्बन की अगर हम बात करें तो रूरल टू अर्बन मतलब लड़कों की संख्या यहाँ पर भी कम है लड़कियों के मुकाबले, क्योंकि गाँव की लड़कियाँ शहरों में ज़्यादा ब्याही जा रही है। तीसरा अर्बन टू रूरल, अर्बन टू रूरल मतलब जो गाँव में गए हैं शहर से, लड़कों की संख्या यहाँ पर कम, लड़कियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, और शहर से शहर यहाँ पर भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। ठीक, अब इंटर स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो आप रूरल टू रूरल में लड़कों की संख्या कम, लड़कियों की ज़्यादा, यहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा, लड़कियों की कम, क्योंकि ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, भाई गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं तो लड़के ज़्यादा जाएंगे, लड़कियों का तो फिक्स नहीं है, कहीं भी जा सकती है। फिर अर्बन टू रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल फिक्स है, और अर्बन टू अर्बन है तो इसमें भी लड़का और लड़की में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये पिछले कुछ समय के कुछ आंकड़े हैं जिसके हिसाब से ये पता लगाया जा सकता है कि लड़का अगर पलायन करेगा तो अगर लड़का पलायन करेगा तो गांव में करेगा कि शहर में करेगा, राज्य बदलेगा क्या बदलेगा, ये पता चल रहा है। ठीक, तो पिछले कुछ समय के जो हैं आंकड़े हमें बता रहे हैं, तो माइग्रेशन के फोर स्ट्रीम्स यहाँ पर बताए गए हैं, थोड़ा गौर करिएगा हाउ मेनी स्ट्रीम्स आर देयर आइडेंटिफाइड हियर। तो पहला है रूरल टू रूरल, अभी मैंने उंगलियों पर गिनाया था आपको, भाई या तो इंसान गाँव से गाँव जाएगा या फिर गाँव से शहर जाएगा या फिर शहर से शहर जाएगा या फिर शहर से गाँव जाएगा। समझ में आया है कि एक आदमी अपने घर से, मतलब हम यहाँ पर राज्यों की बात नहीं कर रहे, देश की बात नहीं कर रहे, पहले हम बहुत सिंपल तरीके से पहले स्टेज से निकल रहे हैं कि जब कोई आदमी जिसका जन्म जहाँ पर हुआ है, भाई कहाँ पर जन्म हुआ है, अगर हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं तो या तो हमारा जन्म गाँव में हुआ, जैसे मेरा जन्म गाँव में हुआ है, कोई किसी का जन्म शहर में हुआ है,
तो जहाँ पर भी उसका जन्म हो वहाँ से अगर निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? अगर गांव का पैदा हुआ बच्चा है तो या तो दूसरे गांव जाएगा या शहर जाएगा, शहर में जन्मा बच्चा है तो गांव जाएगा या शहर जाएगा, तो रूरल टू रूरल होगा या फिर अर्बन टू अर्बन होगा, या रूरल टू अर्बन होगा या अर्बन टू रूरल होगा। तो यहाँ पर चार स्ट्रीम आसानी से हम समझ सकते हैं कि गाँव से गाँवों में, गाँव से शहरों में, शहरों से गाँवों में और शहरों से शहरों में। तो ये चार प्रकार के पलायन होते हैं पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज क्या आ जाती है? डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। तीसरी स्टेज आ जाती है स्टेट टू स्टेट। चौथी आ जाती है नेशनल टू नेशनल या कंट्री टू कंट्री। तो एक के बाद एक स्टेजेस आती है। तो पहला जो स्टेज है वो यही है, इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 आउट ऑफ 455.0 मिलियन माइग्रेंट्स इन्यूमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट रेसिडेंस 141.9 मिलियन हैड चेंज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो आउट ऑफ दीज 118.7 मिलियन वर इंटरेस्टेड फ्रॉम एंड एमिग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज। टेबल 2.1 प्रेजेंट द डिटेल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया सेंसस 2011 हैज़ रिकॉर्डेड दैट मोर देन 5 मिलियन पर्सन हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। आउट ऑफ दिस अबाउट 88.9% केम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश फॉलोड बाई नेपाल एंड पाकिस्तान। तो अपने देश में अगर पिछले 10-15 सालों से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन में इंटर स्टेट की बजाय इंट्रा स्टेट बढ़ा है। मतलब हमारे यहाँ पर राज्य का राज्य में जो परिवर्तन है या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो कम देखने को मिला है, बजाय उसके कि यहाँ पर राज्य बदला जा रहा है। भाई या तो गाँव से शहर या शहर से गाँव ये हो ही गया, या तो फिर जिला बदलेगा या फिर राज्य बदलेगा। तो राज्य बदलने वाला जो है वो ज़्यादा चल रहा है कि हमारे यहाँ पर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा जाकर बस रहे हैं, ये पिछले कुछ 10 सालों में हमने देखा है। वहीं पर अगर हमारे देश के लोगों की बात करें तो हमारे देश के जो लोग हैं वो आसपास के शहरों में या देशों में जाकर बसे हैं, वहीं पर आसपास के देश के लोग हमारे देश में आकर बसे हैं। अगर आप इस पर गौर करोगे, हाँ इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल भी कह सकते हैं। हाँ जंगलानी बहुत बढ़िया दिमाग लगाया तुमने कि एलन मस्क कहाँ जाएगा, वो प्लेनेट पर ही जाएगा। ये जो अमीर लोग हैं ना ये इसीलिए देख रहे हैं कि पृथ्वी अब रहने लायक बची नहीं है भैया, कहीं और जुगाड़ जमा लो वहीं पर रहेंगे। तो देखो पिछले कुछ समय का आंकड़ा है आपके पास, इसे गौर फरमाओ आप। नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कितने हैं, ठीक है। अब कंट्रीज की अगर हम बात करें तो भारत के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ से आकर अपने यहाँ पर बसे हैं? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, चाइना से, म्यांमार से, नेपाल से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से। ये परसेंटेज है। तो अगर हम देखें ओवरऑल परसेंटेज तो 88.9% बेटर है जितने लोग आए उनका। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आकर बसे हैं? बांग्लादेश से, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा आने वाले लोगों का परसेंटेज कहाँ से है? बांग्लादेश से। और दूसरे नंबर पर जो परसेंटेज बैठता है वो कहाँ से है? पाकिस्तान से। और तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ पर जो परसेंटेज है वो नेपाल से है, फिर श्रीलंका से। तो ये आंकड़ा आप गौर कर देखो कि कहाँ कहाँ से भारत के लोग बैठे हैं, बाहर भारत में आकर बसे हैं। माइग्रेशन है ये लास्ट रेसिडेंस के हिसाब से। यार एक टेबल और होनी चाहिए थी यहाँ पर, है क्या? टेबल कहीं और निकल गई, दिख नहीं रही है मुझे, टेबल और चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, पहले पढ़ लेते हैं फिर बता देता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता दूंगा। तो सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एट्सेट्रा। महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स। तो अगर हम पढ़ें कि भाई यार माइग्रेशन किन किन राज्यों में होता है जहाँ पर लोग आकर बसते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो अगर अपने इंडिया में देखोगे तो पलायन होता है तो देश का देश में हो रहा है, बाहर का नहीं। भी हम पहले देश का देश पढ़ लेते हैं। जैसे अभी बाहर का हमने पढ़ा तो अपने इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर जाते हैं फिलहाल की अगर हम बात करें तो खाड़ी देश में या फिर अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, ऐसी जगहों पर भारत के लोग जा जाकर बस रहे हैं।
और उन्हीं समय पर भारत में बाहर के लोग आकर बस रहे हैं, अपने यहाँ पर बांग्लादेश के, भूटान के, अफगानिस्तान के लोग आकर बस रहे हैं। अभी अफगानिस्तान का पढ़ा होगा आपने कि प्लेन भर भर के आ रहे हैं, हालांकि इतने संख्या में आए तो नहीं, पर फिर भी अच्छी खासी संख्या में लोग आकर बसे। तो अपने यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाकर बस रहे हैं, भाई ब्रिटेन में, फ्रांस में या बाकी देशों में, और हाँ बैंक में मिलेगी, हाँ देखना सर कुछ खजाना वजाना हो निकाल मत लेना, सर चाबी मांग रहे बेटा लाइव क्लासेस में, देख लो यार। तो अपने यहाँ के लोग कहाँ पर, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके या बाकी जगह पर जाकर बसे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाहर के लोग जो हैं अपने यहाँ पर आकर बस रहे हैं, ये तो कंट्री का हुआ। ठीक, अब स्टेट की अगर बात करें तो कौन कौन से राज्य से लोग निकल कर आकर बस रहे हैं और कौन कौन से राज्य के लोग जाकर बस रहे हैं। देखो यहाँ पर देखें कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पहला महाराष्ट्र हो गया, दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा गुजरात हो गया, फिर हरियाणा। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर बसते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसे भी जंगलानी ने कहा, मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर आप आगरा पहुँच गए तो आगरा के बाद में आगरा से मथुरा वाला जो बेल्ट चलता है, वो मथुरा है या फिर पनवल है या ऐसे कुछ शहर हैं, वो उसमें गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा और ये आते हैं, तो वो पूरा एरिया ही डेवलप, मतलब वहाँ पर इतनी जनसंख्या है कि यार जगह कम है, जनसंख्या आपको दिखेगी, भयंकर भीड़ है। अब इतने लोग वहाँ पर आकर बसे हैं तो कहाँ से आए, ऑब्वियसली आसपास के राज्यों से आए होंगे। तो अगर हम दिल्ली पर गौर करें तो एक तरफ दिल्ली हरियाणा से लगा हुआ है, दूसरी तरफ यूपी से लगा हुआ है, तो यहाँ के लोग यहाँ पर आकर आकर्षित होंगे ही होंगे, यहाँ पर आकर काम तलाशेंगे ही तलाशेंगे। तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र उन राज्यों में आते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं। अब ये लोग आते कहाँ से हैं, तो या तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर काम करते हैं। हालांकि इनकी जगह है पाकिस्तान के एमपी से, बाकी राज्यों से नहीं जाते हैं, पर खासकर काम करने वाले लोग इन राज्यों से ज़्यादा पलायन करते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली, गुजरात की बारी आती है, उसके बाद हरियाणा आता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर से लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम की तलाश में। तो यूपी, बिहार के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं यूपी बिहार के लोग आपको मॉरिशस तक दिख जाएंगे। तो काम की तलाश में ये क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं अपने यहाँ पर जहाँ पर लोग आकर बसे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गए हैं। तो यूपी, बिहार पहला और दूसरा नंबर लगता है भाई, यूपी से लोग सबसे ज़्यादा भारत में जाकर बसे हैं, दूसरे नंबर पर बिहार। और सबसे ज़्यादा लोग आकर कहाँ बसे हैं, तो गुजरात का नंबर आएगा इसमें अच्छा खासा, हरियाणा का नंबर आएगा। तो गुजरात को आप पहला दूसरा नंबर दे सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आकर बसे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा फिल्मों में कि महाराष्ट्र में बॉम्बे में हमला हुआ है कि भाई उत्तर भारत के लोग हैं, इनको यहाँ पर नहीं बसाया जाएगा, इनको यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती है उसके लिए। तो दो तरह के फेस चलते हैं भाई, एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से जाते हैं। तो अपने यहाँ पर दोनों ही प्रकार के राज्य हैं, हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी जगह डेवलपमेंट होना चाहिए, पर कभी कभी क्या कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से कहीं कहीं डेवलपमेंट हो जाता है। सभी गुड़गांव में गया था, मुझे गुड़गांव देखना था, तो गुड़गांव देखने के बाद आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार इतना डेवलपमेंट अपने इंडिया में, मतलब अपने अमेरिका के मुकाबले डेवलपमेंट हुआ है। तो पूरे हमने पढ़ा या कुछ चीज़ें सर्च की कि गुड़गांव में इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो गुड़गांव को सपोर्ट कर रहे थे, और यही कारण है कि गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि सीधा सा असर दिल्ली का है, मैं दिल्ली एक भारत की राजधानी है जहाँ पर नेता लोग या वो सारे लोग रहते हैं जो देश से संबंधित हैं, तो इस कारण दिल्ली में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके से हो नहीं सका, तो इसी का फ़ायदा गुड़गांव को मिला और ग्रेटर नोएडा को मिला, और देखते देखते यहाँ पर डेवलपमेंट होता चला गया, खाली स्पेस थी, जगह थी। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम अगर बात करें साउथ की स्टेट्स की भी, जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं या समुद्र किनारे, जैसे जामनगर रिफाइनरी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो जामनगर की जो रिफाइनरी वो गुजरात में क्यों है, क्योंकि समुद्र तट चाहिए। अगर आप इंदौर में रिफाइनरी डालोगे शायद आप नहीं डाल सकते, समस्या है। तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और इसी कारण वहाँ पर डेवलपमेंट होता चला जाता है, वहाँ पर सरकारों कुछ नहीं करना रहता। अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर में पीतमपुर, राऊमऊ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है, पर सरकार का अगर कोशिश नहीं करेगी तो भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं।
हाँ तो ये गलत है ना, ये गलत है उन लोगों को भाई, गलत है किसी को। आप इंडिया में अगर बोल रहे हो कि यार इंडिया कैसा देश है जहाँ पर आप कहीं पर भी जाकर रह सकते, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, तो गलत है। आपको लगता है यार मेरा अधिकार छीन लिया, तो आप अपने आप को उस करते ना। हर कोई तो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, सरकार कहाँ सपोर्ट करती है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। गलत है, सभी को पता है कि भाई यूपी वाले महाराष्ट्र में जाके रह सकते हैं, महाराष्ट्र वाले लोग यूपी में जाके रह सकते हैं, कौन कि उसको रोक टोक रहा है, आपकी मर्जी वहाँ पर जाकर आप रहें, तो गलत है ना। वो तभी तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। तो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, तो ये हमने पढ़ लिया कि अपने इंडिया में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर माइग्रेशन होता है, तो राज्यों के नाम पढ़ लिए हमने, कहाँ पर जाकर लोग बसते हैं वो भी पढ़ लिए, कौन कौन से देश से लोग आकर हमारे यहाँ पर बसे हैं वो भी हमने पढ़ लिया, और हमारे देश के लोग कहाँ कहाँ जाकर बसे हैं ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, कहाँ पर बताया था हमने, शायद यहाँ कहीं पढ़ा था, मुझे ध्यान है कि हमने पढ़ लिया है, कुछ फेस पढ़े थे हमने कि अपने देश के लोग कहाँ कहाँ जाकर बसे हैं, तो चार फेस पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था यार, यहीं कहीं पढ़ा था 1947 से, ये शायद यही पढ़ा था हमने ना ये। तो ये हो गया। अब क्या कारण है कि लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच्ड टू दियर प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ अगर पूछा जाए ना, जहाँ पर इंसान का जन्म होता है वो जगह उसको बड़ी प्यारी होती है, कोई भी इंसान अपने जन्म की जगह को नहीं छोड़ना चाहता, और अपने राज्य को तो बिल्कुल या कतई ही नहीं छोड़ना चाहेगा। बट मिलियंस ऑफ पीपल लीव दियर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जन्म स्थान को, अपने शहर को, अपने राज्य को छोड़ देते हैं। तो देयर कुड बी वेराइटी ऑफ रीजन्स, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग जहाँ पर उनका जन्म हुआ उस जगह को छोड़ते हैं। तो दिस रीजन्स कैन बी पुट इन टू टू ब्रॉड कैटेगरीज, तो बस इन्हीं फैक्टर्स को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। मैंने आपको बोला था दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, पहला पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर्स। अगर अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करोगे तो पुश फैक्टर का मतलब जो आपको धकाते हैं, और पुल फैक्टर का मतलब होता है जो आपको खींचते हैं। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर पूछा जा सकता है आपसे, पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर क्या होता है। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू पावर्टी हाई पॉपुलेशन। तो देखो पहला क्या बताया, भाई गांव से लोग शहर की तरफ क्यों जाते हैं, खास तो गरीबी की वजह से, खाने पीने की और पैसा नहीं कमा पाते, काम की तलाश में ये लोग गाँव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, पहला। और दूसरा होता है पॉपुलेशन की वजह से, तो प्रेशर ऑन द लैंड, क्योंकि हाई पॉपुलेशन है तो ज़्यादातर प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, ज़मीन के ऊपर, ज़्यादातर लोग ज़मीन के ऊपर लगे रहेंगे, पैदावार उतनी होगी नहीं, तो उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एट्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वार्स एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट आल्सो गिव एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेंट। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कारण हैं भाई। पहला तो नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में, पेट भरने के लिए आदमी पलायन करता है, पर कभी कभी क्या होता है, बाढ़ की वजह से, बार बार बाढ़ आती है, तो कभी कभी सूखा की वजह से, कभी साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से, कभी अर्थक्वेक की वजह से, कभी सुनामी की वजह से, कभी वॉर की वजह से, और कभी कभी लोकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंसान अपनी जगह चेंज कर जाता है। तो कुछ भी कारण हो सकता है। अफगानिस्तान के लोग क्यों अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं भाई, कोई अपनी मेहनत की कमाई, अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर भागना चाहेगा। इवन लोग पहिए पर बैठ बैठ कर, मतलब उन्हें पता है कि उनकी मौत निश्चिंत है, पर फिर भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। सोच लो कि वहाँ पर कितने हालात बदतर होंगे। छोटे बच्चों को भी पता है कि यार हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जब उड़ता है तो आसमान में आदमी रह नहीं पाएगा, उसकी मौत निश्चिंत है, पर उसने जानबूझकर वो कदम चुना। तो क्यों? क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। तो कभी भूकंप की वजह से, कभी बाढ़ की वजह से इंसान पलायन कर जाता है, जगह छोड़ जाता है। तो जब कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती है तो उसे पुल फैक्टर कहा जाता है, जब वो धकालती है तो पुश फैक्टर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पुश है, क्योंकि इंसान को मजबूर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर पुल फैक्टर्स विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज। अब इसमें पुल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से पुल फैक्टर्स होंगे, तो इसमें पहली बात तो डेवलपमेंट आ जाएंगे, जिसे गाँव में रहने वाले आदमी को सिनेमा, होटल, पब, ये चीज़ें आकर्षित करती है कि यार शहरों में बड़ा अच्छा है। जैसे मैं गुड़गांव गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार यहाँ तो अंडरपास भी बने, फ्लाईओवर भी बने, बड़ी बड़ी इमारतें, कॉफ़ी हाउस ने, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैंने कहा यार बढ़िया है, यहाँ पर घर होना चाहिए, कुछ देर के लिए मैंने सोचा, तो मतलब मुझे आकर्षित किया, तो पुल फैक्टर्स हो गया, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क के लिए, रिलेटिवली हायर वेजेस के लिए, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ। तो ये सब क्या है, पुल फैक्टर्स है जो अपनी तरफ आकर्षित करती है इंसान को। ठीक है, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये सब पुल फैक्टर्स हैं जो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इसी कारण लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। अब शहरों की तरफ गांव से पलायन करते हैं, बहुत बार क्या शहरों में उतनी सुविधाएं नहीं होती, तो ये अपना देश बदल कर दूसरे देश चले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ से पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका लोग जा रहे हैं, और भी दूसरे कैनेडा वनेडा में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो एग्जामिन द रीज़न फॉर माइग्रेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली। अब यहाँ पर ये तो हो गया पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, समझ गए होंगे आप कि जब किसी इंसान को मजबूर किया जाए जगह छोड़ने के लिए तो पुश फैक्टर हो गए। कौन कौन से होते हैं पुश फैक्टर, या तो वार होगा, या फिर डिजास्टर हो सकती है, या जॉब हो सकती है, पावर्टी हो सकती है। पुल फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, एंटरटेनमेंट आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, ये पुल फैक्टर होते हैं। अब अगर हम लड़का और लड़की को अलग रख कर कारण पता करें कि लड़का अपना घर बार छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होता है और लड़की क्यों मजबूर होती है, तो हो सकता है ये कारण अलग अलग हो। अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स इट कैन बी सीन दैट रीज़न फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, लड़का कामकाज की तलाश में या पढ़ाई की तलाश में अपना घर बदलता है, लड़कियाँ शादी के बाद में। फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन, ठीक है, वाइल इट इज़ ओनली 2.3% फॉर द फीमेल्स, जबकि महिलाएं सिर्फ 2.3% ही ऐसी है जो काम के लिए अपना घर छोड़ती है, क्योंकि घर वाले मना कर देते हैं, लड़कियों को कहाँ जाने देते हैं, बाहर जाओ कहाँ करने देते, बोले यहीं कर तू, तो हमारे साथ रहकर ही जॉब कर। भाई क्वांटिटी टू डिस अबाउट 67% ऑफ फीमेल्स मूव आउट फ्रॉम दियर पेरेंटियल हाउस फॉलोइंग दियर मैरिज, जबकि 67% जो लड़कियाँ हैं वो शादी के बाद में अपना घर बदल देती है। वहीं पर अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों में ये परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा कम ही होता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन मेघालय वेयर रिवर्स इज द केस। सिर्फ मेघालय को छोड़ दें तो बाकी पूरे इंडिया में ऐसा ही होता है कि लड़की अपना घर त्याग देती हैं और नई जगह जाकर बस जाती हैं। मेघालय में उल्टा है, मेघालय में क्या होता है, लड़का अपना घर त्याग कर लड़की के घर आता है। पता होगा आप लोगों को मेघालय में लड़की बारात लेकर जाती है, लड़का नहीं। ठीक, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। भैया मेरी एनर्जी भी नहीं, गला बैठ गया है, कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं, 2-3 दिन में रूटीन में आएगा। जब बाहर घूमने जाओ तो हाथ पैर सब दर्द करने लग जाते हैं, घूमने की इच्छा होती है पर फिर मन नहीं लगता, तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। चलिए मिलते हैं कल, बाय, जय श्री राम। अरे भगवान।